मूसे वाला मर्डर का 5 प्लान, वर्दी ने अटैक की थी तैयारी, पंजाबी सिंगर मूसे वाला को हर हाल में मौत देने की हथियारों ने पूरी प्लानिंग की थी, थार गाड़ी में सवार मूसे वाला पर ताबड़तोड़ गोली बरसाकर मौत देने वाले शूटर्स और साजिश करने वाले लोग जैसे जैसे कानून के गिरफ्त में आते जा रहे हैं, मूसे वाला की हत्या के राज से भी परत खुलता जा रहा है। गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई और कनाडा में बैठे गैंगस्टर गोल्डी बराड ने सिंगर मूसे वाला को मौत देने की पहले ही साजिश रची, फिर इस साजिश को अंजाम देने के लिए दोनों गैंगस्टर के गुर्गे मूसे वाला की मौत बनकर निकल पड़े थे। सिंगर के सीने को गोलियों से छलनी करने वाला शार्प शूटर प्रियव्रत फौजी और कशिश और केशव को गुजरात के मुंद्रा पोर्ट के पास से दिल्ली पुलिस गिरफ्तारी के बाद शूटर्स में सबसे कम उम्र का अंकित सिरसा और उसके साथ सचिन हत्थे चढ़ गया, तो अब मासूम से दिखने वाला 19 साल का किलर अंकित सिरसा मूसेवाला की हत्या का राज खोल रहा है। शूटर अंकित खोल रहा हत्या का राज। मूसेवाला को मारने के लिए बाकी हत्यारों के मुकाबले अंकित सिरसा सबसे ज्यादा उतावला था। दिल्ली पुलिस के मुताबिक अंकित ने मूसेवाला को सबसे करीब जाकर गोलियां चलाई। इसने दोनों हाथ में पिस्टल थाम रखी थी और दोनों हाथों से सिंगर पर धनाधन गोलियां बरसा दी। शूटर्स से पूछताछ में खुलासा हुआ कि मूसेवाला को मौत देने के लिए शूटर्स ने कई बार रेकी की और हत्या के लिए 1-2 बार नहीं बल्कि 5 बार से ज्यादा प्लान बनाए। इनमें पंजाब पुलिस की वर्दी में शूटर्स ने मूसेवाला को मारने की पूरी तैयारी कर ली थी, लेकिन उस वक्त मूसेवाला के घर पर कड़ी सुरक्षा होने के वजह से शूटर्स ने मर्डर का प्लान चेंज कर दिया। कोर्ट और कबड्डी टूर्नामेंट में मारने का था प्लान, किस्मत से बची थी जान। मूसेवाला को कोर्ट में ही मारने के लिए शूटर्स ने पूरी तैयारी की थी, लेकिन उस दिन सिंगर की किस्मत अच्छी थी कि वो कोर्ट के उस गेट से बाहर नहीं निकले जिस ओर शूटर्स उन्हें मारने के लिए निशाना साधे हुए थे। इसके बाद किलर्स ने कबड्डी टूर्नामेंट में मूसेवाला को मारने की प्लानिंग फाइनल कर ली, लेकिन इस प्लान को इसलिए टाल दिया क्योंकि वहां मूसेवाला के साथ और भी कई लोग मारे जाते। 29 मई को जब मूसेवाला पर शूटर्स ने हमला किया तो सिंगर को किसी भी हालत में जिंदा नहीं छोड़ने के लिए पूरा बैकअप प्लान तैयार था, जिसमें मूसेवाला पर गोलियां बरसाने के बाद अंडर बैरल ग्रेनेड लॉन्चर से गाड़ी को उड़ा देने का प्लान था ताकि किसी भी सूरत में मूसेवाला बच न पाए, लेकिन ऐन वक्त पर ग्रेनेड की पिन अटक गई, इसलिए शूटर्स ने नजदीक जाकर मूसेवाला पर इतनी गोलियों की बौछार कर दी। फिलहाल मूसेवाला को गोलियां मारने वाले 3 शूटर्स मनप्रीत मन्नू खुस्सा, जगरूप रूपा और दीपक मुंडी पुलिस की गिरफ्त से दूर है। इन तीनों की तलाश की जा रही है। मुमकिन है कि जल्द ही तीनों शूटर्स भी कानून की गिरफ्त में पहुंच जाएगा।